हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे अपडेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 और 11 मई 2020 के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके आने वाले हर अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जिस भी अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो फ्रेंड्स आपके जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन रहती है, उसमें ये जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये फ्रेंड्स आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रहेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहां पे 10 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम कम से कम टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम यहां पे कुछ न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पे न्यूज देख सकते हैं, रिसेंटली यहाँ पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इश्यूज गाइडलाइंस फॉर रिस्टार्टिंग इंडस्ट्रीज पोस्ट लॉकडाउन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडिया में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और 17 मई 2020 को ये वाला फेज भी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो इंडस्ट्रीज दोबारा से रिस्टार्ट होंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी, वो रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दी हैं। आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो गाइडलाइंस है फ्रेंड्स वहां पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, आपका एक क्वेश्चन वहां पे था कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक ऑपरेशन चलाया है, जो कि आपका नाम रहता है उस ऑपरेशन का समुद्र सेतु, जिसके अंडर आपकी दो शिप्स भेजी गई थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। तो उसमें से जो आपकी INS जलश है, ये रिसेंटली इंडिया में कोची में पहुंच चुकी है, जो कि मालदीव से आई थी। तो यहाँ पे आपको माले याद रखना है, माले आपकी मालदीव की कैपिटल। तो टोटल 698 सिटीजंस को लेके आई थी और रिसेंटली इंडिया में पहुंच चुकी है। संडे को फ्रेंड्स ये सुबह सुबह कोची में पहुंच गई थी। उसके बाद यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट न्यूज और भी देख सकते हैं, रिसेंटली ICMR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रहता है, ये और साथ में जो भारत बायोटेक की कंपनी है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाई अप करके जो आपकी COVID-19 की वैक्सीन है, जो कि कम्प्लीटली ये जो वैक्सीन रहेगी स्वदेशी रहेगी, यानी कि इंडिजिनस रहेगी, कम्प्लीट इंडिया में ये डेवलप की गई है। उसके बाद सेकंड आप यहां पे देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी पेस ट्रिब्यूट गोपाल कृष्ण गोखले उन 154th बर्थ एनिवर्सरी। तो रिसेंटली जो गोपाल कृष्ण गोखले की बर्थ एनिवर्सरी 154th बनाई गई है, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर के थ्रू जो है श्रद्धांजलि दी है गोपाल कृष्ण गोखले को, ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है आज के करंट अफेयर का, ऑन विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे आपको दिन याद रखना है, हर साल 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है फ्रेंड्स वो सेलिब्रेट की जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपके रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप यहां पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द प्रवासी राहत मित्रा ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर ऑफ द स्टेट। किस स्टेट ने रिसेंटली प्रवासी राहत मित्रा ऐप जो है अपने माइग्रेंट वर्कर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फंसे हुए हैं उनके लिए ये वाला ऐप लॉन्च किया। तो यहां पे आपको स्टेट का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, इन विच स्टेट अ यूनिक व्हीकल जिसका नाम है संजीवनी हैज बीन डेवलप्ड एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे संजीवनी नाम का एक यूनिक व्हीकल किस स्टेट द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहां पे आपको स्टेट का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली जो वेसाक है द डे ऑफ बर्थ एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज ऑब्जर्व्ड, रिसेंटली जो आपका ऑब्जर्व किया गया है किस दिन ऑब्जर्व किया गया है। तो ये जो आपका वेसाक है इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और बुद्ध जयंती भी कहते हैं। तो आपको इसको याद भी रखना है कि 7 मई को ये ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिसेंटली जो इंसिडेंट फ्रेंड्स हुआ है जिसमें स्टायरीन गैस लीकेज हुआ है, वो आपका LG पॉलीमर इंडस्ट्री में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ है, वेयर वाज द इंसिडेंट ऑफ द स्टायरीन गैस लीकेज इन द केमिकल LG पॉलीमर इंडस्ट्री। तो कहाँ पे हुआ आपको याद रखना, विशाखापट्टनम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में। आपको गैस का नाम याद रखना है, स्टायरीन गैस वहां पे लीक हुई थी, जिसकी वजह से आपकी काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, आपकी स्किन इरिटेशन, आईज इरिटेशन रहती है। तो इसकी वजह से ही काफी लोग जो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं और काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो फ्रेंड्स सिक्स्थ क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, रिसेंटली इंडिया सेव्ड रुपीज 89,122 करोड़ थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन 2018 टू 2019। इंडिया ने रिसेंटली इतने रुपीज यहां पे जो लिखे गए हैं 89,122 करोड़ रुपीज, यहां पे जो इनिशिएटिव चलाया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू 2018 से लेकर 2019 के बीच में इतने पैसे सेव कर लिए हैं। तो आपको ये बताना है कि रिसेंटली जो मिनिस्टर है पावर का वो कौन है। तो यहां पे जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रहता है ये आपका पावर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो इसलिए आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसेंटली जो करंट में है वो कौन है। तो यहां पे आपको नाम याद रखना है आरके सिंह। उसके बाद आपका सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट हैज अकॉर्डेड अप्रूवल टू एन ऑर्डिनेंस सस्पेंडिंग अ मेजॉरिटी ऑफ लेबर लॉज इन द स्टेट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। रिसेंटली किस स्टेट ने ऑर्डिनेंस का अप्रूवल जारी कर दिया गया है जिसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ द लेबर लॉज रहेंगे वो फ्रेंड्स आने वाले 3 साल के लिए सस्पेंडेड रहेंगे। तो किस स्टेट ने ऑर्डिनेंस का अप्रूव कर दिया है, तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम याद रखना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हु इनॉग्रेटेड द लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। रिसेंटली जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है लिंक रोड के थ्रू, किसने ये इनॉग्रेट की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो यहाँ पे आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। उसके बाद आपका 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स कॉन्टैक्टलेस सोप कम वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट। तो ये आपका जो कॉन्टैक्टलेस सोप कम वाटर डिस्पेंसिंग यूनिट है ये किस इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है, तो इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMERI। तो ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन ये योजना से रिलेटेड रहेगा जो कि हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है किसी ना किसी योजना से रहता है, और ये जो फ्रेंड्स आपके योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये आपके आते ही आते हैं किसी भी आप एग्जामिनेशन में देख लो, चाहे वो आपका SSC का एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका रेलवे का एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। तो फ्रेंड ये जो आपकी अटल पेंशन योजना रहती है इसमें आपकी मैक्सिमम एज कितनी होती है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो आपने याद रखना है टोटल इसकी यहाँ पे जो मैक्सिमम एज 40 साल तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। कम से कम इसकी एज रहती है 18 साल और मैक्सिमम एज इसकी ज्वाइन करने के लिए रहती है 40 साल। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे 10 से लेके 11 मई 2020 के। तो फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड जो आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ये आपको डायरेक्टली फ्रेंड्स मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फ्रेंड्स मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।